वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो किसान भाइयों, कल हमने ऑयस्टर मशरूम को लगाने की विधि का जो है पहला भाग आपको बताया था। आज हम आपको दूसरा भाग बता रहे हैं बहुत ही शॉर्टकट में। कल हमने आपको बताया हुआ था कैसे हम लोग भूसे को पानी में स्टरलाइज करते हैं और कम से कम 12 से 16 घंटा के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको पानी में भिगो के रखते हैं। और उस पानी में जो है हमने आपको बताया था 100 लीटर पानी में 150 ml फॉर्मलिन डालते हैं और 1 लीटर पानी में 7 ग्राम जो है बेबिस्टिन का पाउडर डालते हैं, अच्छा से मिला लेते हैं, फिर जो है ना उसको हम अच्छा से ढक के रख देते हैं। तो कल हमने आपको बताया था और हमको लग रहा है कि आज 24 घंटा के आसपास हो चुका है क्योंकि हमको सुबह करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए थे। अब ये देखिए, ये नाद है, इसमें जो है भूसा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, भूसे को पानी से बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है। पानी से बाहर निकालने के बाद ये हमने एक जाल दिया हुआ था ताकि भूसा को निकालने में क्या हो सुविधा हो। ये देखिए भूसा जो है अच्छी तरह से पानी में मिल चुका है और यदि ये 16 घंटा तक पानी में रह जाता है तो इसमें जो भी जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसी विधि को बोलते हैं भूसे को उपचारित करना। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी आपका स्पॉन है ना उस स्पॉन को इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है ना वो बैक्टीरिया स्पॉन को खा जाएगा जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस भूसे को इस टब से बाहर निकाल के इसको भूसे को पानी से बाहर निकाल देंगे। कैसे, तो आइए देखिए, हमने बहुत ही सरल विधि का प्रयोग किया हुआ। हमने बहुत ही सरल विधि का प्रयोग किया है इसमें। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उसको नजदीक से आ जाओ, यहाँ से दिखाओ ना, तुम साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, उठाओ से उठाओ, नहीं हो रहा है क्या। हाँ, ये हमने क्या किया था, भूसा में पानी में डालने से पहले एक जाल डाल दिया था ताकि हम भूसे को आसानी से छोड़ भूसे को हम आसानी से पानी से बाहर निकाल सकें, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये भूसा पानी से बाहर आ गया, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ। अब क्या करना है, हमको इस भूसे को जो है ना बाहर में एक साफ़ सुथरा पॉलीथीन में फैला देना है। इससे क्या होगा, जो भी इसमें नमी की मात्रा होगी वो निकल जाएगी और नमी की मात्रा कम से कम 30-40% इसमें होना चाहिए। चलिए ये पानी निकल गया है, पकड़ो इसको, उठाओ इसको थोड़ा हल्का सा। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, इस भूसे को हम क्या करेंगे, इस भूसे को पहले पानी पूरी तरह से इसका जो नीचे गिर जाएगा ना, इस भूसे को हम एक साफ सुथरा पॉलीथीन में, उस पॉलीथीन को भी पहले आपको उपचारित करना होगा, बेबिस्टिन और फॉर्मलिन का घोल से पॉलीथीन को अच्छा से साफ कर लीजिए और उस पॉलीथीन पर इसको क्या करना है, फैला देना है। जब इसकी नमी की मात्रा काफ़ी कम रह जाए या 30-40% रह जाए तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इस भूसे में स्पॉन मिलाएंगे, उसको बोलते हैं बीज का बैगिंग करना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं और इसको हम फैलाते हैं, फिर हम इसके लास्ट वीडियो कल बनाते हैं कैसे कैसे बैगिंग करते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।